डंबल से परफेक्ट आता है रियल वर्ल्ड पे, इस वजह से मैं डंबल से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ करने का। वैसे केबल से भी आता है बट डंबल से जो है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि आप जब पीछे पुश करते हो तो प्रॉपर शेप में आता है, इसलिए डंबल से ज़्यादा मेरे हिसाब से तो ज़्यादा ठीक है, डंबल से ही करो। ओके ओके इसीलिए मैं डंबल से करता हूँ, क्योंकि आता काफी अच्छा है, परफेक्ट एकदम। ओके लास्ट वन मोर। डंबल शोल्डर प्रेस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो फ्रंट वाला पार्ट है ये जब बढ़ जाएगा, इसमें मसल इंक्रीज हो जाएगा, तब ऑटोमेटिक फ्रंट से देखने में ही बेटर लगेगा। तो जब डंबल प्रेस करते हैं तो इस पार्ट में ही डायरेक्ट हिट करता है। ओके Oh.
वैसे लोग प्रॉपर ही ऐसे करते हैं, बट आज मैंने सोचा थोड़ा साइड रेजिस ट्राई करूं ताकि इस पार्ट को थोड़ा सा ट्रेंड करना है। ओके या मैन, हाँ बढ़िया रहा इसको। ओके
अब साइड रेजेस करने में अब थोड़ा जो है प्रॉपर पंप और प्रॉपर शेप में आएगा। इस वजह से मैंने पहले थोड़ा साइड ये वाला कर लिया, अब जब प्रॉपर ये है डंबल साइड रेजेस करूंगा तो अब जो है बेटर आएगा थोड़ा। ओके ओके ऑल राइट एक्सरसाइज हो गई खत्म। Thank you.
आज जो है थोड़ा सा करने में शोल्डर बेटर फील आया है पहले से, मतलब बेटर अच्छा परफॉर्मेंस लगा। वैसे रियल लाइफ देखा जाए तो बेटर है पहले से, तो ठीक ही है रियल लाइफ। शोल्डर लेकिन आएगा अगर तो ऑब्वियसली वैसे शोल्डर का साइज जो है ये पार्ट जो है ये बढ़ रहा है, पहले से तो ठीक ही है ये पार्ट, और ये थोड़ा और इंक्रीज हो जाए तो और बेटर आ जाएगा। बट अब कितना क्या कवर, कैसे कितना क्या कवर हो, जितना मसल प्रोटीन इंटेक है उस हिसाब से उतना मसल कवर हो रहा है। वैसे पहले से तो काफी कवर है वैसे देखा जाए तो, लेकिन बस यही है कि ठीक ही है, धीरे धीरे परफॉर्मेंस बेटर हो ही जाएगी। ओके ऑलराइट।